चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट वाले आलू के चिप्स, और वो भी 10 रुपए के आलू से इतने खस्ता क्रिस्पी और टेस्टी आलू के चिप्स। चलिए मिलकर बनाते हैं क्रंचीएस्ट पोटैटो चिप्स एवर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड का रूट। तो दोस्तों, आलू की एक कुरकुरे चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़े बड़े वाले आलू। तो मैं यहाँ सबसे पहले अपने टोकरे में से बड़े वाले आलू छांट लेती हूँ ताकि चिप्स थोड़े बड़े और बढ़िया बने। देखिए, मेरे पास कुछ बड़े वाले आलू कुछ इस तरह मिल गए, और बाजार में तो ये आलू आसानी से मिल जाते हैं। तो चिप्स बनाने हों तो पहले ही थोड़े बड़े वाले आलू खरीद लें। तो अब हम दोस्तों इन आलूओं का छिलका निकाल लेंगे पीलर की मदद से। इनमें मिट्टी बहुत होती है, तो अच्छे से इनका छिलका निकाल लें। देखिए कितने अच्छे आलू हैं, एकदम लंबे और बड़े। चिप्स इन आलूओं के बहुत अच्छे बनते हैं। आलूओं में अगर इस तरह का कुछ हो तो आप इसे चाकू की मदद से निकाल दें। अब हम अपने आलूओं को धो लेंगे। हम इसके चिप्स काटने के बाद भी धोएंगे और अभी भी धोएंगे क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी है। मैं इसको फेंक देती हूँ और आलू को एक बार धो के लाती हूँ। देखिए, हमने आलू अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब बारी है ग्रेटर की मदद से इसे चिप्स का शेप देने की। तो मैंने यहाँ पर लिया ग्रेटर, और चिप्स वाली साइड से जो हर ग्रेटर में मिल जाती है, हम इसे चिप्स बना लेंगे बिल्कुल पतले पतले। ज़्यादा आपको लंबे चिप्स चाहिए हो तो आप इस तरफ से कर सकते हैं, छोटे चिप्स चाहिए हो तो आप दूसरी साइड से कर सकते हैं। मुझे थोड़े लंबे लंबे चिप्स चाहिए थे, थोड़े बड़े, तो मैंने इस साइड से किया। देखिए इससे कितना बड़ा चिप्स का शेप आ रहा है, ये देखिए, और कितना पतला है। हमें इसी साइज के चाहिए चिप्स। आलू को हम इसी तरह से करेंगे। देखिए कितने बढ़िया पतले और बड़े बड़े आलू के हमने स्लाइसेस कर लिए हैं, बिल्कुल पतले हैं। इसी तरह आप सारे आलू को निकाल लें, और जैसे आप ये करते जाए ना, आलू छिलते जाएं, उसे आप पानी में डालते रहिएगा। तो हम यहाँ आलू छिले, मतलब उन्हें चिप्स का शेप दिया, और उन्हें पानी में डाल देंगे। अब दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल पानी में हम आलू के अपने इन चिप्स को वॉश कर लेंगे ताकि इनकी और भी मिट्टी जो इनमें लगी हो अंदर वो निकल जाए। देखिए वॉश करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। मैं इसे अलग स्ट्रेनर में जाली रखकर इसका पानी निकालने रख दिया। जब तक इसका एक्सेस पानी निकल रहा है तब तक हम थोड़ा सा पानी बॉईल करके इन आलूओं को बॉईल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम एक पैन को रख देंगे गैस पर आलू को बॉईल करने के लिए, आंच को मीडियम पर, और इसमें डाल देंगे पानी। ऊपर तक पानी डाल दें ताकि आलू अच्छे से डूब जाए। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक। मैंने यहाँ करीब 1.5 चम्मच नमक इसमें डाल दिया ताकि जब हम इसमें आलू बॉईल करें तो उसमें हल्का नमक का टेस्ट रहे। बाकी तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है काला नमक, आप कोई भी रेगुलर नमक या सेंधा नमक डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आप खाना चाहें वैसा नमक यूज़ कीजिए। अब जब ये पानी बॉयल होना शुरू हो गया तो हम अपने आलू इसमें डाल देंगे। दोस्तों हमें यहाँ आलू को ना बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, ज़्यादा बॉयल करेंगे तो आलू टूट जाएंगे और पक जाएगा पूरा आलू। तो हम इसे गर्म पानी में डालेंगे बॉयलिंग वाटर में, और इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम इसे उबालेंगे। और अलग से ना दोस्तों ठंडे पानी का बोल तैयार रखें ताकि आलू जब इसमें से निकले तो हम उसे ठंडे पानी में डाल दें ताकि उनका कुकिंग प्रोसेस एकदम रुक जाए, वो ज़्यादा पके नहीं गले नहीं। तो हमारे जब तक आलू इसमें बॉयल हो रहे हैं तब तक मैंने एक अलग बोल ले लिया। अब उसमें डाल दूंगी मैं ठंडा पानी। तो मैंने यहाँ पर लिया है चिल्ड वाटर, आप आइस का यूज़ भी कर सकते हैं। चिल्ड वाटर से एक बोल को भर देंगे और अपने आलूओं को 1 मिनट बॉईल होने के बाद ही सीधे इसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों 1 मिनट में हमारे आलू बॉईल हो जाएंगे अच्छे से, इनका कच्चापन चला जाएगा बेसिकली, और इसमें से ना एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाएगा। तो 1 ही मिनट तक आप इसे बॉईल करें, और जैसे ही 1 मिनट होंगे हम गैस को ऑफ कर देंगे और आलू निकाल लेंगे। अपने ठंडे पानी के बोल में हम इन आलूओं को डिप कर देंगे। आप ज़्यादा देर इन आलूओं को गर्म पानी में ना रहने दें वरना ये पूरे गल जाएंगे और टूट जाएंगे। इनकी शेप को बनाए रखने के लिए इन्हें गर्म पानी से निकाल कर फ़ौरन ठंडे पानी में डाल दें। थोड़ी देर इनको इन पानी में रख के
थोड़ा सा इनमें से देखिए पानी भी गर्म हो गया है, इतना है ये हॉट, तो हम इनको थोड़ा अलट पलट कर देंगे वॉश। थोड़ी देर इनको ठंडे पानी में रखें और फिर उसके बाद मैं उनको अलग प्लेट में निकाल लूँगी छन्ने से, ड्रेन कर लें मतलब वापस से। तो मैंने एक अलग छन्ना भी ले लिया, मैं यहाँ से निकालूंगी अब, और अलग छन्ने में हम इन्हें रखते जाएंगे ताकि इनका एक्सेस वाटर निकल जाए। ये देखिए कोई ये लंबा चौड़ा काम नहीं, आलू छिलना है, ग्रेट करना है, 1 मिनट बॉईल करना है, फिर ठंडे पानी में डालना है। अभी तक का प्रोसेस बहुत छोटा है लेकिन चिप्स बहुत ही बढ़िया बनेंगे दोस्तों। अब अगले प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसे फॉलो ना करने से कई बार लोगों की कंप्लेंट आती है कि हमारे चिप्स क्रिस्पी नहीं बने, उतने अच्छे नहीं बने। तो मैं बताती हूँ इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको लेना है एक साफ़ कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर, आप कॉटन का कपड़ा या कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉटन लिया है जिसे मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अपने आलूओं के चिप्स को जैसे हम बचपन में सुखाते थे ना, ठीक उसी तरह फैला के डाल देंगे। लेकिन हमें यहाँ सुखाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं इतना हम टाइम नहीं लेंगे, हम इसे केवल चिप्स को फैला देंगे इसमें, ताकि हमारा चिप्स का पानी जो इसमें है हमें वही सुखाना है बस। देखिए मैं अपने चिप्स को इस तरह फैला दिया, पंखा चला लें ऊपर और इन्हें सूखने दें। अब एक अलग साफ़ कपड़ा लेकर मैं इन चिप्स को ऐसे सुखा लूँगी, मतलब इसका पानी ऊपर से भी हम ड्राई कर देंगे। नीचे से तो पानी कपड़े में सूख ही रहा है, ऊपर से भी हम इसे ड्राई करते जाएंगे ताकि इसका मॉइस्चर, एक्सेस मॉइस्चर पूरा निकल जाए। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इनमें जब हम फ्राई करें, तभी एकदम करारे बनेंगे, क्रिस्पी। इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे तो सूखे ही नहीं, कितना सुखाना है, कितने दिन तक सुखाना है। एक का कमेंट तो ये भी था, मैं उन्हें बता दूं कोई ज़्यादा दिन नहीं सुखाना, 5 से 10 मिनट में ही आप देखिएगा बिल्कुल ये अच्छे से सूख जाते हैं। और इसमें कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉर्नफ्लावर या कुछ भी, नथिंग, कुछ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसे ऐसे ही सुखा लेंगे। देखिए हमारे चिप्स, आलू के चिप्स पूरे अच्छे से सूख चुके हैं, तो हम ऑयल को फ्राई करने के लिए रख देते हैं, इसको साइड कर लेंगे। तो मैंने एक पैन को रख दिया गैस पर, मीडियम आंच पर गैस को रखेंगे और उसमें डाल देंगे फ्राइंग के लिए ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं फ्राइंग के लिए, चाहे रिफाइंड हो चाहे कोई भी ऑयल हो। मैं यहाँ पर येलो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। और तेल को ना हमें पहले अच्छे से गर्म होने देना है, ठंडे तेल में कभी भी फ्राई ना करें। तेल जब अच्छे से गर्म हो तभी हम आंच को मीडियम पर करके फ्राई करेंगे। देखिए थोड़ी देर में ही ऑयल ना अच्छे से गर्म होने लगेगा, तो इसको ना अच्छे से टेम्परेचर को अच्छे से हीट होने दें। अब एक एक करके अपने आलू के चिप्स हम इसमें डाल देंगे। हमें दोस्तों इसको ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा हमको इसको भरना नहीं है। जितने चिप्स एक बारी में आए आप इसमें डाल दीजिए। और आंच को मैं फिर बता रही हूँ लो से मीडियम के बीच रखिएगा, ना तो हाई और ना एकदम लो। और इनको अभी छेड़िए मत, अच्छे से ये ऊपर आ जाएंगे अपने आप। अब देखिए जब एक तरफ से हो गए तो मैं इन्हें पलट दूंगी फोक से, थोड़ी देर में ही एकदम क्रिस्पी होने लगेंगे। आप इन्हें बस आराम से फ्राई कीजिएगा। इनका कलर भी ना कुछ कुछ देखिए ट्रांसपेरेंट होने लगा है आलूओं को, थोड़ी सी देर में ही, 5 से 6 मिनट में ही आपके आलू फ्राई हो जाएंगे। देखिए कितने लाइट हो गए हैं, एकदम लाइट हैं ये चिप्स हमारे, हल्के कुरकुरे। देखिए इनका कलर भी ट्रांसपेरेंट हो गया, कितने बड़े बड़े चिप्स हैं ये। और इतनी देर में ही देखिए हमारे चिप्स अच्छे से फ्राई हो गए। जब इनका कलर चेंज होने लग गया और ये अच्छे से फ्राई हो गए तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। देखिए कितने बढ़िया इनका टेक्सचर है, एकदम लाइट खस्ता, ये देखिए ट्रांसपेरेंट होने लग गए। स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे, ज़्यादा ओवर फ्राई ना करें वरना ये काले हो जाएंगे। इन्हें अलग बर्तन में निकाल ले, फैला के रख दें। अब इसी तरह हम अपने सारे चिप्स फ्राई कर लेंगे।
अगला लॉट भी हमने डाला है जो, इसको पहले छेड़े नहीं, इसे अच्छे से नीचे से फ्राई होने दे, तभी फोक से आप इसे पलटें। ट्रांसपेरेंट होने लग जाते हैं ना, मतलब आलू आपका पकने लग गया है, चिप्स आपके फ्राई होने लगे हैं, तो इसे थोड़ा अच्छे से फ्राई होने दें ताकि हर तरफ से उतना बढ़िया हो जाए, बीच में से भी, कॉर्नर से भी। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके चिप्स फ्राई होने लगे हैं। देखिए जब ये करारे होने लग जाएं तो हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए ये फ्राई हो गए, मैं इस लॉट को भी निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, एक एक कर हमने अपने सारे चिप्स फ्राई कर लिया, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। देखिए दो आलू से ही हमने कितना सारा चिप्स बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसे सीजन भी कर सकते हैं। बच्चों को जैसे पिरी पिरी मसाला पसंद होता है, तो मैं इसमें थोड़ा पिरी पिरी मसाला ऐड कर दूंगी। देखिए पिरी पिरी मसाला डालकर हम इसे ऐसे ही टॉस कर लेंगे। एकदम लाइट है, एकदम बढ़िया क्रिस्पी और शुद्ध घर के तेल में बने हुए, तो कोई हार्मफुल केमिकल भी इसमें नहीं है। और सोचिए 10 रुपए के हमारे बच्चे कितने चिप्स लेकर आते हैं, और ये 10 रुपए में दो आलू से हमने कितना सारा चिप्स तैयार किया। देखिए देखिए कितने हल्के हैं ये। एक चिप्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने, कितने बढ़िया तरीके से टूट रहा है। और इसका क्रंच लेके मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत फ्लेवरफुल है, एकदम बढ़िया क्रिस्पी, मज़ा आ गया दोस्तों। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ये जब ये ठंडे हो जाए ना, तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल लीजिएगा ताकि इनकी क्रिस्पीनेस बनी रहे। और ये कई दिन तक चल जाते हैं, बिल्कुल सौगी नहीं होते हैं और बहुत बढ़िया बनते हैं। कीप लाइकिंग आर वीडियो। ऐसी ही मज़ेदार और जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कीप कुकिंग।